फिल्म अच्छी है, मतलब आफ्टर काफ़ी टाइम के बाद संजय दत्त कम बैक कर रहा है और मैं उसका फ़ैन था तो मैं उसके लिए देखने के लिए आया। तो जैसा कि संजय दत्त की एक्टिंग के ऊपर तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है। आदिति आयद्री बहुत अच्छी एक्ट्रेस है तो उन्होंने अपना रोल अच्छे से निभाया। फिल्म का स्टोरी थीम सेम है, चलो ठीक है कि एक बच्ची का बदला ले रहा है और बाप और बेटे की अच्छी एक ट्यूनिंग है और अलग तरीके से दिखाई है तो थोड़ा थोड़ा न्यू है। और उमंग कपूर की पहली फिल्म के बाद मुझे मैरी कॉम के बाद की दूसरी फिल्म अच्छी नहीं लगी थी, अभी ये भी कुछ वैसे ठीक मतलब ओके चलता है और फिल्म एवरेज है। अगर रेटिंग देनी है तो मैं उसको 2.5 स्टार दूंगा। अदिति और संजय दत्त की बॉन्डिंग कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्रेश लगा। एक बाप बेटी में, मेरी भी बेटी है तो मुझे कहीं मैं उसे कनेक्ट हो रहा था कि अपनी बेटी के साथ उसके रिलेशंस। और डायलॉग भी थोड़े बहुत अच्छे लगे, जैसे कि वो डायलॉग है कि सुबह सुबह शराब पीते हो अच्छा लगता है क्या, तो जब संजय दत्त बोलता है कि अगर मैं रात को शराब पीते हो अच्छा लगता है, तो संजय दत्त बोलता है कि सुबह अगर मैं पीऊँगा तो अच्छा लगेगा क्या, तो वो थोड़ा मतलब उस टाइप के थोड़े फ्रेश हैं। और कुल मिला के एक ठीक है बॉलीवुड सिनेमा है, बना लिया, संजय दत्त ने दिल से काम किया और मैं चाहता हूँ कि आगे भी संजय दत्त की अच्छी फिल्में आए तो मैं देखूँ। थैंक यू। कौन सी मूवी देखी आपने? भूमि। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। ट्रेलर देख के उतना नहीं लग रहा था कि पिक्चर उतनी अच्छी होगी, बट मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू ट्रेलर से जो आया था। उसके बाद जो मूवी का आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि संजय दत्त का एक्सपेक्टेशन थी कि ये मूवी के साथ उनका कमबैक है इतने सालों बाद, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी थी। उनका जो एक्टिंग है, जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, एकदम मस्त से कि देखनी चाहिए फिल्म, एक्स्पेशली जो संजय दत्त के फैंस हैं। बहुत बढ़िया है वो, और जो संजय दत्त की बाप बेटी की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। बोलूँगा कि आप देखिए, हर पेरेंट्स को देखनी चाहिए, बेटी और हाँ बेटी और बाप की जो केमिस्ट्री है वो ज़रूर देखिएगा। गाने में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे 2-3 ये वेडिंग सॉन्ग्स है और एक लग जा गले मेरा फेवरेट है जो राहत फतेह अली खान ने गाया है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो देखिएगा। 5 out of 5। ओके सो लाइक कौन सी मूवी देखी आपने? भूमि। कैसी लगी संजय दत्त काफ़ी टाइम बाद? संजय दत्त आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन स्क्रीन, तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लगा, नो डाउट ही इज प्लेड रियली वेरी नाइस। लाइक अदिति रॉय हैदरी भी है मूवी में, तो लाइक उनकी एक्टिंग कैसी लगी? उनकी एक्टिंग हमेशा से ही काफ़ी अच्छी रही, शी इज़ क्वाइट यू नो शी इज़ लुकिंग क्वाइट गॉर्जियस इन द मूवी, और काफ़ी अच्छा केमिस्ट्री था उनका और संजय दत्त का मूवी में, तो शी इज़ वेरी नाइस इन द मूवी। मूवी एक मैसेज देती है, तो लाइक मैसेज पे वो खरी उतर पाई या नहीं? टू सम एक्सटेंट आई कैन से, सो इन शॉर्ट आई रेट द मूवी यू नो 3 स्टार, उससे ज़्यादा वी कैन नॉट, बट इट्स अ वर्थ वॉचिंग मूवी। आपके पास कुछ है नहीं तो यू कैन जस्ट गो एंड सिट इन द थिएटर एंड वॉच द मूवी, इट्स अ 3-star वॉचिंग मूवी। सो हाउ वाज द सॉन्ग्स एंड ऑल? सॉन्ग्स एवरेज, नॉट अप टू द मार्क, ठीक ठीक। अच्छा तो दोबारा देखने जाएंगे? नहीं आई डोंट थिंक दोबारा देखने जाऊंगी। अच्छा, मैं देंगे? सॉरी फ्रेंड्स को एडवाइस देंगे जाने? हाँ फ्रेंड्स को एडवाइस दूंगी, एक बार देख कर आइए वो मूवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सो कौन सी मूवी देखी आपने? मैंने भूमि देखी, बहुत अच्छी मूवी है ये। अच्छा लाइक संजय तक काफ़ी टाइम बाद ऑन स्क्रीन जी? बिल्कुल, काफ़ी टाइम के बाद संजू बाबा को देखा, इट्स लाइक उसकी उनकी कमबैक फिल्म है, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको देख के फिल्म में वापस से। उनकी पहले की मूवी और ये भूमि को कंपैरिजन क्या जाता है एक्टिंग वाइज को लेके? जी बिल्कुल, देखा जाए तो पहले की जो मूवी थी उनकी एक्शन वगैरह थी और ये जो मूवी है उनकी इमोशनल ड्रामा है और काफ़ी अच्छी, तो ये दोनों अलग प्रकार की थी। और वैसे ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी है जो फादर और डॉटर के रिलेशन दिखा रही है फिल्म में। काफ़ी प्रमोशन हुआ मूवी का, तो उसमें खरी उतरी है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये कमबैक फिल्म है और काफ़ी अच्छी रही। अदिति रॉय हैदरी भी है, तो लाइक उनकी एक्टिंग को लेके क्या कहना है? जी या अदिति राय है, अदिति हैदरी जो है वो काफ़ी अच्छी रही है, मतलब कंपेयर टू उनकी अदर फिल्म्स ये फिल्म में काफ़ी अच्छी रही। अच्छा तो लाइक बॉन्डिंग कैसी नज़र आई? जी बिल्कुल, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इमोशनल लग रहा था, जो ड्रामा था एकदम रियल लग रहा था और दोनों की जो बॉन्डिंग थी काफ़ी बेहतरीन थी। सो लाइक मूवी एक मैसेज देती है, तो मैसेज पे खरी उतर पाई है? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा मैसेज दे रही है और ये मैसेज पे उतर पा रही है। कितने स्टार्स देना चाहूँगी? मैं 5 में से 4 स्टार्स दूंगी। थैंक यू सो मच। ओके सो कौन सी मूवी देखी आपने? भूमि।
कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। क्यों एक्चुअली इतना गैप होने के बाद उनका एक्टिंग और ज़्यादा सुधारा एक्टिंग में, और उनकी लड़की वो आदित्य आवाधरी दोनों की मतलब बॉन्डिंग अच्छी लगी दोनों की मूवीज में। संजू बाबा की एक्टिंग को कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? नहीं, संजू बाबा कोई ऐसा कोई नहीं है, उससे अच्छे हो सकते हैं, संजू बाबा ऐसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, तो बाप और बेटी के ऊपर स्टोरी बेस्ड है, तो डायरेक्शन एंड ऑल की बात करें तो किस तरह का? बहुत अच्छी मूवी बनी है, बाप बेटी की दोनों की बहुत अच्छी। सोशल मैसेज देती है तो उस पे खरी उतर पाई है? जी खरी उतर पाई है। कितने सीजन है? 3 out of 5, 5 out of 3। अच्छा, थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छा लगा संजय, तो ऐसा लग रहा है कि उनके कमबैक है, बिकॉज यू नो इतना टाइम बाद उनने जिस तरह से एक्टिंग की है, ऐसा लगता नहीं कि मतलब वो इतना टाइम रुका हुआ था, ऐसा लग रहा है कि अभी भी कंटिन्यू एक्टिंग पे ध्यान दे रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद तो एक्टिंग में कोई लाइक कुछ ऐसी कमी नज़र आई या कुछ ऐसा? कहीं मुझे ऐसा लगा नहीं, और जिस तरह से वो एक मतलब ऐसे ऑलमोस्ट अपने आप को अप्रूव कर चुके हर बार, इस बार भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रूव किया कि नहीं मेरे अंदर एक्टिंग की कोई कमी नहीं है, और झल मुझे किसी भी रोल में डाल दो मैं उस तरह से करके प्रूव करूँगा। काफ़ी प्रमोशन हुआ है मूवी का, तो उसमें खरी उतरी है कंटेंट्स देखा जाए तो? कंटेंट्स वाइज बहुत अच्छा है, और जो मंक कुमार है ऑब्वियसली उनकी जो डायरेक्शन है, भले इससे पहले जो उन्होंने किया था ऐश्वर्या राय लेके, इस बार भी बहुत अच्छा किया उन्होंने भी। उनकी एक्टिंग अच्छी है लेकिन उतना रोल नहीं है, बट इसमें पूरा संजय को फोकस किया गया, उनके बेटी का रोल प्ले कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा संजय का रोल मुझे अच्छा लगा। सोशल मैसेज भी है तो लाइक उस मैसेज पे बात करें तो लाइक उतना मतलब सही पकड़ में आई है? ऑब्वियसली सही पकड़ में आए, जो एक फादर एंड डॉटर का जो रिलेशनशिप है कि अगर किसी भी डॉटर के ऊपर इस तरह से घटना आए तो फादर किस हद तक कर सकता है, तो उस मूवी में दिखाया गया। गाने की बात करें तो गाने ठीक ठाक है, बट मतलब सचिन जिगर दूसरे कोई म्यूजिक डायरेक्टर जो उन्होंने गाने अच्छे लगे उतना अच्छे नहीं, लेकिन गाने ठीक है। 2.5। भूमि कैसी लगी? अच्छी फिल्म लगी, मतलब संजय दत्त की वापसी है और इंटरेस्टिंग फिल्म है, और एक यू नो एक बाप बेटी की जज्बाती कहानी है जो आपको कहीं ना कहीं रिलेट करेगी। देखिए जी कुछ सीन ऐसे हैं जो शायद ज़बरदस्ती डाले गए हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखें जो आदित्य राव हैदरी और संजय दत्त के बीच का जो प्यार दिखाया है, जो एक बाप बेटी का रिश्ता दिखाया है, और फिर एक सीधा साधा आदमी कैसे सिस्टम के अगेंस्ट जाता है अपनी बेटी के लिए, कैसे उसकी मदद करता है, कैसे उसका बदला लेता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बांधा तो है फिल्म ने लेकिन कहीं बीच बीच में छोड़ देती है। देखिए सोशल मैसेज कि अगर हम बात करेंगे तो सोशल मैसेज ये है कि हम अपनी बेटियों से हमेशा खुलकर बात करें, वो आपसे कह सकें, बता सकें कि कहाँ प्रॉब्लम है। अमूमन क्या होता है, लड़कियाँ छुपाती हैं चीज़ें, अगर कुछ हो जाता है स्कूल में, कोई छेड़ दे, कॉलेज में कोई गलत बात हो जाए, स्कूल में कुछ बात हो जाए, तो एक मैसेज ये भी है कि इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, और संजय दत्त की अच्छी वापसी है, संजय दत्त बहुत इंप्रेसिव लगे हैं, शेखर सुमन बहुत इंप्रेसिव लगे हैं उनके साथ, जो उनकी एक वो एक लाइट मोमेंट लेके आते हैं जब भी उन दोनों के बीच में बातचीत दिखाई, जब वो बैठ के शराब पीते हैं या ड्रिंक करते हैं, यू नो इट गिव्स अ लाइटर मोमेंट इन द फिल्म। गाने भी अच्छे हैं, स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। 5 में से 3 स्टार।